और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर की आशंका देखी जा रही है। मौसम विभाग ने चेताया अभी और बढ़ेगी ठंड, राजधानी में 8 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही है बारिश और बर्फबारी से मैदानी इलाकों को भी प्रभाव प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें कि लखनऊ में बारिश की संभावना जताई जा रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बारिश और बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड अब ज्यादा बढ़ने लगी है। राष्ट्रीय राजधानी समेत उत्तर भारत में शीतलहर की आशंका फिर से जताई गई है। राजधानी दिल्ली में बुधवार को मौसम विभाग ने पारे में गिरावट की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहने की संभावना है। ये बीते दिन की तुलना में 1 डिग्री कम है, जबकि अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि आज बारिश नहीं होगी और कोहरा छाया रहेगा। लखनऊ में बुधवार को मिनिमम टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार आज यहां मिनिमम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। शहर में बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार की राजधानी पटना में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। किस शहर में कितना रह सकता है तापमान, आपको बताते हैं। दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री रह सकता है, वहीं अधिकतम तापमान 20.0 डिग्री रहेगा। चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 7.0, अधिकतम तापमान 23.0, वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान रहेगा 12.0, अधिकतम तापमान रहेगा 15.0। वहीं गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद का न्यूनतम तापमान 10.0, अधिकतम तापमान 20.0 रहेगा।